हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन तो चल रही है साइंस की क्लास 2018 का सैम्पल पेपर नहीं प्रैक्टिस पेपर चल रहा है कल हमने क्वेश्चन नंबर कितने तक कलियर थे भाई कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए थे आज करना है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन दिखाई दे रहा देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को फिर करेंगे आंसर स्टेट द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बहुत ही आसान क्वेश्चन राइट एंड प्रिंसिपल ऑफ द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग का प्रिंसिपल लिखना है ओके इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग का प्रिंसिपल ठीक है ना ये शायद हट गया रिमूव हो गया है डिलीटेड पार्ट है ये है ना अब इसके बाद है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक मोटर के ये पार्ट के बारे में आपको बताना है आर्मेचर ब्रशेस एंड स्प्लिट रिंग तो मेन अपना जो पहला पार्ट है वो हमारे करेंटली 2023 के सिलेबस में तो है तो आइए देखते हैं स्टेट फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो कि बहुत आसान होता है आप सभी को बनता भी होगा फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है स्ट्रेच फोर फिंगर मिडिल फिंगर एंड थम ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर अपने हाथों की तीन उंगलियों को कुछ इस तरीके से खींचो कि वे एक दूसरे के क्या रहे परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ द फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एम फॉर मदर मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द करेंट सी फॉर करेंट चाइल्ड एंड द थम शोज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स देन द थम शोज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एफ फॉर फादर और और मोशन ऑफ द करेंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि ये फोर्स के डायरेक्शन को शो करेगा और जहां भाई फोर्स लगेगा वहीं क्या होगा मोशन

वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर A coil कैरिंग इलेक्ट्रिक current प्लेस इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड experiences ए फोर्स तो ये तो हमारे सिलेबस में है कि अगर किसी भी क्वाइल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे किसी करंट कैरिंग क्वाइल को आप किस में रखोगे मैग्नेटिक फील्ड में तो इस क्वाइल पर क्या लगता है फोर्स लगता है क्या लगता है फोर्स लगता है और ये घूमने लग जाती है ना फंक्शन ऑफ आर्मेचर आर्मेचर क्या करता है इट एनहेंस द पावर ऑफ द मोटर इंड्यूसेस मोशन ये पावर ऑफ द मोटर को बढ़ाता है और मोशन को इंड्यूस करता है ब्रशेस का बात करते हैं इट हेल्प इजी ट्रांसफर द चार्ज बिटवीन द क्वाइल एंड द एक्सटर्नल सर्किट ये करंट को बाहरी सर्किट से कनेक्ट करता है फंक्शन ऑफ स्प्लेटरिंग इट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट आफ्टर ईच हाफ रोटेशन ऑफ द सो द क्वाइल कैन कीप रोटेटिंग कंटिन्यूअसली ये डायरेक्शन को बदलता है जिससे कि क्वाइल लगातार घूम सके एक बार फिर से पढ़ देता हूँ इट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट आफ्टर ईच हाफ रोटेशन ये करंट की डायरेक्शन को बार बार हाफ रोटेशन के बाद बदल देता है ऑफ द कॉल सो द कॉइल कैन कीप रोटेटिंग कंटिन्यूसली जिससे कि कॉइल लगातार घूमती रहे चलिए अगले क्वेश्चन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नंबर वन हो चुका है डन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू की तरफ चलते हैं ट्वेंटी टू क्वेश्चन देखते हैं भाई किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू स्टूडेंट एडेड फ्यू पीसेस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल टू द टेस्ट ट्यूब ए एंड बी यार ऐसे क्वेश्चन देखता हूँ तो मेरा मन तो बिल्कुल डायग्राम बनाने को दौड़ता है एकदम फटाक से टेस्ट ट्यूब याद आती है मेरे को है ना कुछ कुछ केमिकल से याद आते हैं तो मैंने इनको कर लिया है क्रॉप चलते हैं कोने में यस ये आ चुका है क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट एडेड एडेट फ्यू पीस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल टू द टू टेस्ट ट्यूब ए एंड बी तो ये बन गई ये बन गई मेरी पहली टेस्ट ट्यूब भाई साहब इसका नाम है ए और ये बन गई मेरी दूसरी टेस्ट ट्यूब जिसका नाम है बी तो कह रहा है कि एक बंदा है ये फ्यू पीस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल तो ये छोटे 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 टुकड़े हैं किसके एल्यूमिनियम के ये एल्यूमिनियम का पहला टुकड़ा है पहली टेस्ट ट्यूब में डाले ये एल्यूमिनियम के दूसरे टुकड़े हैं ओके टू द टेस्ट ट्यूब ए एंड बी कंटेनिंग एक्व सोल्यूशन ऑफ द आयरन सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट ओके एक में भरा है आयरन सल्फेट मतलब एफ ई एस ओ फोर एक में भरा है आयरन सल्फेट और दूसरे में भरा है कॉपर सल्फेट मतलब सी यू एस ओ फोर है ना इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट चलो हो गया ठीक अच्छी बात है कॉपर इन द सेकेंड पार्ट ऑफ हर एक्सपेरिमेंट शी ही एडेड शी एडेड अनादर अ मेटल टू अनादर टेस्ट ट्यूब सी एंड डी है ना कंटेनिंग एक्व सल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट अब अगला कह रहा है कि दूसरे पार्ट में क्या करता है कि सी और डी में ये देखिए ये टेस्ट ट्यूब सी है और ये टेस्ट ट्यूब क्या है डी है टेस्ट ट्यूब सी में आपके पास क्या भरा हुआ है टेस्ट ट्यूब सी कंटेनिंग एक्व सोल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट मतलब इसमें ए एल टू एसओ फोर होल थ्राइस ये एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला है एंड एल्यूमिनियम सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट इसमें भरा है सी यू एसओ फोर सी यू एसओ फोर ठीक है ना शी एडेड आयरन मेटल अब इसमें क्या डाल दिया है आयरन को किसको डाल दिया है आयरन को डाल दिया है. इसने भी इसमें किसको डाल दिया है आयरन को डाल दिया है इन विच टेस्ट ट्यूब द टेस्ट ट्यूब विल ऑब्जर्व द कलर चेंज बताइए किस में कलर चेंज होगा देखो भाई सब लोग जानते हो ना रिएक्टिविटी सीरीज कान का मंगल जानू फैशन का परवाना है अब देखो बेटा ये एल्यूमिनियम क्या होता है ऊपर होता है और फैशन क्या होता है नीचे होता है एफ ही का होता है? होता है नीचे होता है बोलो हाँ हाँ मतलब कि आयरन जो होता है लेस रिएक्टिव होता है होता है कि नहीं होता है और एल्यूमिनियम क्या होता है मोर रिएक्टिव होता है एल्यूमिनियम क्या कर देगा इसको रिमूव कर देगा क्या कर देगा रिमूव कर देगा तो आयरन अलग हो जाएगा तो बोलो कलर चेंज होगा यस इसमें भी कलर चेंज होगा मतलब रिएक्शन होगी कलर चेंज की बात बाद में करेंगे पहली चीज ये रिएक्शन करेगा बिल्कुल करेगा क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है वो आयरन से क्या होता है ज्यादा रिएक्टिव अब एल्यूमिनियम और कॉपर की बात अरे भाई साहब बहुत दूर रिएक्टिविटी है एल्यूमिनियम तो भरपूर आगे है कॉपर से बोलो हाँ तो एल्यूमिनियम भी कॉपर से क्या होता है रिएक्टिव होता है अब बात करते हैं आयरन की एल्यूमिनियम से तो आयरन जो है अकेला है है ना और एल्यूमिनियम का क्या है सॉल्ट है एल्यूमिनियम का सॉल्ट है क्या आयरन एल्यूमिनियम के सॉल्ट से एल्यूमिनियम को रिमूव कर पाएगा नहीं कर पाएगा क्योंकि एल्यूमिनियम होता है ऊपर या सो और आयरन होता है नीचे मतलब यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी अब आयरन है और यहां पर देखिए आयरन के टुकड़े आपने डाले हैं और क्या है कॉपर सल्फेट का सॉल्ट कॉपर सल्फेट का सॉल्ट ठीक है ना तो आयरन जो होता है रिएक्टिव होता है कॉपर सल्फेट के कॉपर को भगा देगा तो यहां पर रिएक्शन हो जाएगी चलिए ठीक है ना अब कह रहा है इन विच टेस्ट यू ऑब्जर्व अ कलर चेंज ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट स्टेट विच ऑफ वन इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड वाई अब इसको देख करके आप कहोगे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है देखो भाई है ना सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है एल्युमिनियम है क्योंकि एल्यूमिनियम कॉपर को, को, तो को भी भगा रहा है एल्यूमिनियम कॉपर को तो भगा रहा है आयरन को भी भगा रहा है बोलिए सन लो तो एलुमिनियम क्या है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर सिस्टमेटिकली ये देखो भाई साहब कलर द टेस्ट ट्यूब में ठीक है ये देखा है कलर चेंज इन द ऑब्जरिंग टेस्ट ट्यूब ए बी एंड डी सी वाले में कोई कांड नहीं हुआ बोलो हाँ है ना

ब्लू कलर का और फेरस सल्फेट किस कलर का होता है बेटे ग्रीन कलर का ग्रीन कलर का ग्रीन कलर का बोलो समझ में आ गया ना चलो आगे चलते हैं बेटा फिर हाँ ये हो गया कंप्लीट का कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू हो गया डन बोलो क्लियर है ना yes. चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री की तरफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आ जाओ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री की तरफ तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री रहा है व्हाट इज व्हाट इज ऑब्जर्ड अ अल्यूशन ऑफ द सोडियम सल्फेट इज एडेड टू द सोलियो भाई सोडियम सल्फेट सोडियम सल्फेट मतलब एन ए टू एस ओ फोर और किसको इसके साथ किसको आप ट्रीट कर रहे हो बैरियम क्लोराइड के साथ बी ए सी एल टू बी ए सी एल टू तो देखो बेटा ये भी आयनिक होता है सोडियम प्लस होता है सल्फेट माइनस होता है क्लोरीन क्या होता है माइनस पार्टनर बदल दो एन चले जाएगा सीएल के साथ और बी चला चले जाएगा किसके साथ एसओ फोर के साथ तो बन जाएगा बेटा टू एन ए सी एल प्लस बी ए एस ओ

List the steps of the precipitation of the temporary mount of leaf peel. टू ऑब्जर्व इस्टोमेटा लिस्ट द स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द टेम्प्रेरी माउंट ऑफ ए लीफ पील टू ऑब्जर्व एस्टोमेटा भाई साहब भी केवल देख सकते हो आप क्योंकि ये स्टेप लिखे हुए हैं देखिए तो लिखा है रिमूवल ऑफ द पील फ्रॉम द लिफ स्टेंड विद द सेफराइन सेफरेनिन पुड दील द क्लीन स्लाइड माउंट विद इट विद ग्लिसन एंड कवर स्लिप तो ये जो भी है भाई साहब आप पढ़ लीजिए बायो वाले पार्ट में आपको पता है कि मेरे हाथ बड़े तंग हैं चार पार्ट दिए गए हैं स्किप चारों स्टेप होते होंगे चारों पार्ट दिए गए चलिए अगला क्वेश्चन है ये तो मैंने काफी बार देख लिया है अमीबा का खाना कैसे खाता है शायद ये वही है नेम द प्रोसेस बाय विच अमीबा रिप्रोड्यूस सॉरी खाना नहीं बच्चे पैदा कैसे करता है अमीबा रिप्रोड्यूस द्रॉ द वेरियस स्टेजेस ऑफ इट रिप्रोडक्शन मेरे ख्याल से अमीबा का क्या होता है बाइनरी क्या बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन हाँ बाइनरी फ्यूजन हाँ वही प्रॉपर सिक्वेंस बताना है तो एमीबा पहले छोटा टूट जाता है ये देखो भाई साहब तो सबसे पहले न्यूक्लियस है फिर न्यूक्लियस थोड़ा सा सरक गया ऐसा हो गया फिर दोनों दो दो न्यूक्लियस क्या हो गया अलग अलग फिर ये थोड़ा सा देखो डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटो प्लाज्म साइटो और ये बन गए दो नए डॉटर सेल बन गए क्या बन गई दो नए डॉटर सेल तो ये कह रहा था बाइनरी फ्यूजन ऑफ एमीबा बाइनरी फ्यूजन ऑफ आई होप यार इसमें कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं आप लोग को बिल्कुल बन जाएगा है ना चलो ये भी खत्म हो गया ओके भाई साहब अगले टॉपिक की ओर आ रहे हैं ये देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स ये देखो वैल्यू बेस टाइप के क्वेश्चन शायद आ रहे हैं ये देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन स्टूडेंट इज़ अंडर अ माइक्रोस्कोप स्टूडेंट इज अंडर अ माइक्रोस्कोप अ परमानेंट स्लाइड शोइंग वेरियस स्टेज ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यीस्ट बी द डायग्राम ऑफ व्हाट ही ऑब्जर्व इन प्रॉपर सीक्वेंस तो भाई साहब आपको बताना है किसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताना है किसका ईस्ट का किसका बताना है ये तो यस्ट में आपको बडिंग दिखानी है तो ये देखिए ये यीस्ट है ईस्ट में आपको बडिंग दिखाए गए हैं ठीक है ना ये देखो भाई साहब पहले ये देखो बर्ड बिगेन फ्रॉम द ऑन फ्रॉम ऑन पेरेंट सेल ये हो गया यहाँ पे थोड़ा सा बड निकलने की कोशिश कर रहा, रहा है रिसिप्स ऑफ कॉपी बट नाउ बिकम्स ए सेपरेट डॉटर सेल बन गई देखो यहाँ पे बेड में बन दिख गई ये देखो यहाँ पे इसका न्यूक्लियस बन गया डॉटर सेल बन गई है और यहाँ पर बड्स से काफी सारे बर्ड्स निकलने शुरू हो गया बडिंग प्रोड्यूसर्स चेंज ऑफ सेल्स चलो डन तो ये है बडिंग इन ईस्ट बडिंग इन ईस्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स दोस्तों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स क्या कह रहा देखते हैं एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट फोर सेंटीमीटर इस प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ थर्टी सेंटीमीटर वो हो फिर से मेरे मन में लड्डू फूटा और मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाने क्योंकि ऑप्टिक्स देखता हूं तो मेरा मन करता है किसका डायग्राम बनाने का ठीक है ना तो ये क्वेश्चन आ चुका है आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट फोर सेंटीमटर प्लेड एस थर्टी सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस लो बन गया है हमारे पास में क्या कौन सा लेंस कॉन्वेक्स लेंस ये इसकी एक्सेस है भाई साहब कह रहा है कि हाइट फोर सेंटीमीटर है बेटा आपको पता है कि आप ऑब्जेक्ट की हाइट को किससे लिखते हो एच से फोर लिखते हो बोलो ये सो हाँ कितने सेंटीमीटर पे तीस सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर मतलब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है आपका वो कितने सेंटीमीटर पे बच्चों थर्टी पे है बोलो यस और नो तो यू इक्वल टू बोलो कितना हो गया माइनस का थर्टी बहुत सही है और इसके बाद कह रहा है फोकल लेंथ ट्वेंटी है भाई साहब मतलब यहाँ पर आपके पास जो फोकल लेंथ है एफ इज इक्वल्स टू बोलो कितना है प्लस का ट्वेंटी कितना हो गया प्लस का ट्वेंटी ओके ड्रॉ राइट रेड्राम देखो बेटा यहाँ अगर ट्वेंटी इधर उधर भी कितना होगा ट्वेंटी मतलब ये फोकस के पीछे मतलब फोकस के पीछे बोलो भाई देखो यहाँ पे फोकस ट्वेंटी है बोलो हाँ या ना तो इस तरह भी ट्वेंटी होगा मतलब फोकस के भी क्या है पीछे है बोलो यस और नो फोकस के क्या है पीछे इधर फोकस है है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा चालीस पे होगा कि नहीं होगा बोलो सेंटर ऑफ कर्वेचर किस पे होगा चालीस पे होगा चलिए क्लियर हो गया आगे समझ में ना हाँ तो मतलब यहाँ पर इमेज जो है क्या बनेगी बड़ी बनेगी क्या बनेगी बड़ी बनेगी क्योंकि ये पास में आ रहा है देखिए भाई साहब तो यहाँ से एक रे चलेगी पैरेलल होके जाने वाली रेस किससे हो गया जाएगी फोकस से बोलिए ऐसा नो और एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो यूं सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधे निकल जाएगी और यहाँ पर मिलेगी बोलिए ऐसा नो क्लियर हाँ नहीं टू एफ़ नहीं बन सकती ना टू एफ़ पर इतना बनती हाँ उसके पीछे बनेगी यहाँ पे देखिए है ना ये पास में बनेगी टू एफ़ पे यहाँ यहाँ पे बनेगी क्लियर हो गया एक मिनट एक मिनट बे ऑन टू एफ़ सॉरी यहाँ पे टू एफ़ होगा बे ऑन टू एफ़ जितना पास पे आओगे उतनी दूर जाएगी यस बोलो क्लियर हो गया हाँ चलो चलो अब आगे चलते खैर वो तो निकाल देगा ना साइज ऑफ फोकस एफ सब कुछ मार्क दियाऑल्सो फाइंड द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट वाह क्या बात है मतलब आपको निकालना है U, ये भी आपको निकाल करके देना है M इक्वल टू वी अपॉन यू भी निकाल कर देना है आइए करते हैं क्वेश्चन को सारी चीजें हमने देख ली है यस, ये देखिए आपके पास में हाई

यहाँ पे ये बन चुका है अब आपको निकालना है रेशियो क्या निकालना है रेशियो तो आपको बताया मैंने कि मैग्फिकेशन इक्वल टू होता है अपॉन बोलो होता कि नहीं होता है एम इक्वल टू वी अपन यू तो वी की वैल्यू कितनी निकली बेटा सिक्सटी प्लस का बोलो यस और यू की वैल्यू कितनी निकली बेटा माइनस का थर्टी बोलो यस आंसर कितना आएगा टू अपॉन वन माइनस में टू अपॉन वन अच्छा माइनस मिल रहा है मतलब इमेज क्या बनेगी इनवर्टेड क्या बनेगी इन्वर्टेड माइनस बनेगा मतलब अरे नहीं लगाया गलती हो गई है ना तो यहां पे लगाना चाहिए माइनस इसको तो आंसर कितना होगा माइनस टू अपॉन वन माइनस का मतलब क्या होता है इमेज क्या होती है इन्वर्टेड बोलो या सोनू हां इन्वर्टेड और रियल आप देख भी सकते हैं डायग्राम में यहां पर जो इमेज बनी है क्या बनी है इन्वर्टेड और रियल बनी है मतलब दो गुने बन रही है मतलब ये चार है तो ये कितनी बनेगी आठ बनेगी आ गया समझ में ना मतलब इसका साइज अगर चार है तो कितना बनेगी आठ क्योंकि मैग्नीफिकेशन कितना आया है दो आया है मैग्निफिकेशन कितना आया है दो बोलो ये सोन नो बल्कि दो नहीं माइनस दो आया कितना आया है माइनस दो और आपको पता है मैग्निफिकेशन इक्वल टू एच डैस अपॉन कितना एच तो एच डैस अपॉन एच की वैल्यू कितनी दी बेटा चार इक्वल टू कितनी दिया माइनस का दो तो एच डैस इक्वल टू कितना हो गया माइनस का एट मतलब एट मीटर बनेगी और माइनस का मतलब उल्टी माइनस का मतलब उल्टी ये देखिए इन्वर्टर बनेगी बोलो समझ में आ गया कोई दिक्कत है क्या चलो फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं ओम जिंदाबाद चलिए क्वेश्चन नंबर जिंदाबादी सेवन द वैल्यू ऑफ द आई फ्लोइंग थ्रू द द वैल्यू ऑफ द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द गिवन रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड कॉरसपॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द रजिस्टेंस आर बिलो ओके प्लॉट ए ग्राफ बेटा ग्राफ पेपर तुमको दिया जाएगा नहीं दिया जाए तो टीचर से मांग लेना जब तक देना दे पूछते रहना ग्राफ पेपर ओके हा तो ग्राफ पेपर बनाना है बिटवीन करंट आई एंड पोटेंशियल वी एंड डिटरमाइन द रेजिस्टेंस और अप द रेजिस्टर आपको रेजिस्टेंस इस और इसमें निकालना है देखो बेटा कैसे निकालेंगे सबसे पहले आपके वोल्टेज और करंट की रीडिंग दी गई बोलो यस सर नो और बोलो हाँ yes, हाँ तो वोल्टेज और करंट की रीडिंग दीजिए छाप देना छापते बनता है ना एक्स एक्सेस में ले लेना वोल्ट करेंट और वाई एक्सेस में ले लेना वोल्टेज बोलो ले वो क्लियर है एक्स एक्सेस में करंट वाई एक्सेस में वोल्टेज बेटा गलती मत करना मेरी बात ध्यान रखो मैं बार बार इससे बोल रहा हूं कि एक्स एक्सेस में करंट लेना और वाई एक्सेस में वोल्टेज लेना नहीं तो उल्टा उत्तर आ जाएगा आपका समझ गया ना उल्टा उत्तर आ जाएगा हाँ यस तो ये वाला वाई एक्सएस है वाई एक्सेस में वोल्टेज ले लिया और एक्सएस में क्या ले लिया करंट ले लिया अब जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे सबसे इजी आपके पास कोऑर्डिनेट कहाँ पर है तो ये आपने कोऑर्डिनेट ले लिए ये देखिए दो ले लिए कहीं भी ले लो मगर जो दिखे आपको जो समझ में आए जो बिल्कुल क्लियर हो जो बिल्कुल क्या हो क्लियर हो तो ग्राफ आपने जो बनाया है उसमें देखिए आपके पास में ये देखिए करेंट कितनी दी है ये सॉरी ये करेंट है जीरो पॉइंट टू है और ये कितना है जीरो पॉइंट फोर बोलो ये सर नो करेंट कितनी है जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट फोर है ना कि नहीं है बोलो करंट कितनी है जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट फोर और वोल्टेज देखो इस पॉइंट पर वोल्टेज कितना है टू है भाई one, इस पॉइंट पर कितना है टू और इधर one, पर कितना है वन है तो चेंज इन वोल्टेज वोल्टेज में चेंज कितना आया चेंज इन वोल्टेज इक्वल टू तो डेल्टा भी डेल्टा भी मतलब चेंज इन वोल्टेज one, बोलो यस चेंज इन वोल्टेज बेटा कितना आ गया है चेंज इन वोल्टेज आ गया बेटा देखो कितना था दो था दो से कितना हो गया एक तो दो माइनस एक बोलो ऐसा नो करंट का चेंज कितना आया बेटा बाद वाली करंट कितनी है जीरो पॉइंट Four. पहले वाली करंट पॉइंट टू तो जीरो पॉइंट टू बोलो है ऊपर गया, गया कि नहीं गया नीचे कितना बचा दो बचा आंसर कितना पांच बोलो कितना हो गया फाइव ओम करेक्ट आंसर हो गया इस तरीके से ही आपका पेपर यहां पर क्या होता है फिनिश बोलो क्लियर हो गया यस तो इस तरीके से ये पेपर आपका हो चुका है इस तरीके की तैयारी करके जाइए आप जिस तरीके से हमने पहला पेपर कर लिया है ऐसे ही दूसरे पेपर आप लगाइए और खतरनाक तैयारी के साथ पेपर में जाइए थैंक यू सो मच फॉर बींग विद लोकेश सर स्टडी जोन हैव अ नाइस डे बाय